देखो ये बच्चों, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बिल्कुल बेसिक सीखना चाहें ना, तो इस लेक्चर को आखिरी तक देख लियो, बिल्कुल सारी बात समझ आ जाएंगी प्रोजेक्टाइल की बेसिक वाली, जिसके बेस पे आप जो टेस्ट ऐप पे अपलोड किया है उसको कोशिश कर सकते हो। पहली बात तो यही आपके मन में आए कि श्रीमान जी प्रोजेक्टाइल होता क्या है या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट विच इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन टू डायमेंशनल। ये जरूरी कंडीशन है प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D मोशन होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2D। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से या ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा दो और उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर मूव करे। ये मार्कर है, ये पेन है, मैं इसको थ्रो कर दूं, ये प्रोजेक्टाइल है। हाँ, वन ऊपर फेंकू सीधा और वापस नीचे आए तो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि ये 1D मोशन हो गया। बट अगर किसी एंगल पे फेंकू, यूं जाए और यूं आ गिरे, प्रोजेक्टाइल है। मैं इसको किसी हाइट से यूं सीधा फेंक दूं, नीचे आ गिरे, प्रोजेक्टाइल है। किसी हाइट से यूं ऊपर फेंक दूं, नीचे आ गिरे, प्रोजेक्टाइल है। किसी हाइट से यूं नीचे फेंक दूं, प्रोजेक्टाइल है। हाँ, सीधा फेंक देंगे तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, वो 1D मोशन हो जाएगा आपके पास। अब हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन के, दो केस पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक ओरिजेंटल प्रोजेक्शन और एक एंगुलर प्रोजेक्शन। वन इज ओरिजेंटल प्रोजेक्शन, अनदर इज एंगुलर प्रोजेक्शन। तो बड़े ध्यान से सुनना जरा उनके बारे में भी, आसान से ही टॉपिक है। कभी भी हमें ज़्यादा गहराई से नहीं बातों को लेना होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं उनको जोड़ते जाना है, टॉपिक बन जाता है। ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में होगा क्या, किसी एक हाइट से, मान लो आप एच हाइट पे हो प्यारे बच्चों, इस एच हाइट पे से एक बॉल को बिल्कुल सीधा फेंक दो, उसको जो इनिशियल स्पीड दो वो बिल्कुल ओरिजेंटल डायरेक्शन में होनी चाहिए, कोई कंपोनेंट ना ऊपर हो ना नीचे की साइड हो। मतलब शुरुआत में जब ये चले तो ओनली ओरिजेंटल मोशन, फिर थोड़ी देर बाद इसका वर्टिकल मोशन शुरू होगा और ये कहीं जाके टकरा जाएगी। अब ये है 2D मोशन, कुछ डिस्टेंस पे जाके टकराई है, जितनी डिस्टेंस पे ओरिजेंटल डिस्टेंस पे जाके टकराई है वो रेंज होती है, ये इनिशियल स्पीड है। यहाँ इतनी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, उसको ओरिजेंटली थ्रो किया गया था, ये ओरिजेंटल प्रोजेक्शन का डायग्राम है। मैं इसके दोनों कंपोनेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। 2D मोशन बोला है ना मैंने, 2D मतलब इसको ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी मोशन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन होगा। दोनों के दोनों मोशन अभी के अभी आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सुनोगे प्यारे बच्चों। किसी भी टाइम पे आप अपने प्रोजेक्टाइल के पास देखोगे तो एक वेलोसिटी होगी ओरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले तो दोनों वेलोसिटी देख लेते हैं। ओरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन के अलग अलग से कंपोनेंट बड़े ध्यान से समझ लियो, जहां समझ ना आए आपका फर्ज है उस बात को पूछना। पहले मैं इसका जो ओरिजेंटल मोशन है उसके बारे में लिख देता हूं। कहीं U यूज करेंगे तो वो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी होगा, V यूज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी होगा, A यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, S यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसा बचपन में भी आप लोग करते थे वही सेम बात है ये। तो ओरिजेंटल मोशन के दौरान अगर मैं इनिशियल स्पीड देखूं ओरिजेंटल डायरेक्शन की, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, उसके साथ हम x लगा देंगे तो ux इनिशियली ओरिजेंटल की इनिशियल स्पीड थी u के बराबर,
इनिशियल स्पीड थी यू के बराबर। क्या उसके दौरान कोई एक्सेलरेशन होगी? मैंने बड़े अच्छे से शुरुआत में एक बात बोली थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मतलब उस पर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इसका मतलब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है या तो अप जाए या डाउन जाए तो ही होगा। ओरिजेंटल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंसी भी यही कहता है कि ओरिजेंटल मोशन वर्टिकल को कुछ नहीं कहेगा, वर्टिकल मोशन ओरिजेंटल को कुछ नहीं कहेगा। तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट करती है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब मैं ओरिजेंटल डायरेक्शन में किसी टी टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी निकालने चलूं तो फार्मूला यूज करेंगे वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की जगह पे आ गया वी एक्स, क्योंकि हम ओरिजेंटल वाले की बात कर रहे हैं। यू की जगह पे आ गया यू एक्स, यू एक्स कितना दे रखा था यू। ए की जगह पे आ गया ए एक्स, कितना दे रखा है जीरो। बात ही खत्म हुई। तो वी एक्स आया यू के बराबर। इससे हमें क्या पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जब ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है या कौन सा भी प्रोजेक्टाइल हो, ओरिजेंटल और एंगुलर, उसकी जो ओरिजेंटल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती है। तीन बातें ओरिजेंटल मोशन के बारे में याद हो प्रोजेक्टाइल की। बात नंबर एक, ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा उसको रेंज कहेंगे। रेंज को हमें फाइंड आउट करना है, फाइनली निकालेंगे उसको। यू एक्स ए एक्स वी एक्स, एक दो तीन डिस्टेंस, और देख लो टी टाइम में कितना चला होगा वो। चौथी बात ये और निकाल लेते हैं, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिर्फ इसका ओरिजेंटल मोशन देखते तो एस की जगह पे आ गया एक्स, मान लो यहां पहुंचा था वो टी टाइम बाद, कितना आगे चला गया मान लो वो एक्स आगे चला गया, तो एस की जगह पे आ गया एक्स। U की जगह पे आएगा यू एक्स, जिसकी वैल्यू यू के ही बराबर है, तो यू इन टू टी। ए की जगह पे आएगा ए एक्स, ए एक्स जीरो है, तो एक्स कितने के बराबर आया यू टी। बात नंबर होगी चार, आपके प्रोजेक्टाइल टू डी मोशन होता है। टू डी मोशन में ओरिजेंटल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स देख रहे थे, हमने सारे कंपोनेंट देख लिए हैं, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी किसी टी टाइम पे वेलोसिटी, और वो टी टाइम में कितना आगे गया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि चारों बातें क्लियर हुई होंगी। आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका था, सीधा फेंका था, तो ओरिजेंटल की इनिशियल वैल्यू, ओरिजेंटल वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू यू है। किसी टी टाइम पे देखोगे तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओरिजेंटल डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ओरिजेंटल डायरेक्शन की कितनी होगी एक्स। वी ए यू ये निकाल लिया, कितना आगे गया एस। सारे पैरामीटर सामने रख दिए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्टिकल मोशन की, वो भी बड़े ध्यान से समझने की प्यारे बच्चों, कोशिश करियो समझ जाओगे आप लोग। अगर मैं वर्टिकल मोशन पे चलूँ इसी के वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन पे हम चलते तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो आपने बिल्कुल सीधा फेंका था, सीधा फेंका था, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वर्टिकल को वाई से दर्शा देंगे। यू वाई कितने के बराबर है जीरो। ए वाई एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेविटी भी नीचे है, पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, इसलिए ग्रेविटी प्लस की लेनी है आपको, उसकी वर्टिकल स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई कह दे जी बताओ टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी की जगह पे आ जाएगा वी वाई, यू की जगह आएगा यू वाई, यू वाई है जीरो, ए की जगह पे आएगा जी इन टू टी। तो किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट देखना हो तो जी इन टू टी होगा।
किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, u, वर्टिकल कितना होगा, g इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट और देख लेते हैं, बात नंबर एक, बात नंबर दो, बात नंबर तीन, और अब बात नंबर चार हम निकालने जा रहे हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब y कितना नीचे आ गया, मान लो इस दौरान ये कितना नीचे आया था, y नीचे आया था, तो s की जगह आ गया y, u की जगह आएगा यू वाई जो जीरो के बराबर है, तो अपने पास बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पे आपको देखना हो कितना नीचे आ गया तो हाफ जी टी स्क्वायर यूज करोगे, किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट देखना हो तो g इंटू टी लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के बराबर लोगे, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड जीरो के बराबर लोगे। ये ओरिजेंटल की चार बातें, ये वर्टिकल की चार बातें, ये आठ की बात अगर आप लोगों को डाइजेस्ट हो जाती हैं देन दिस टॉपिक बिकम सो इजी दैट नथिंग इज इजीएस्ट देन दिस। इससे आसान कुछ भी नहीं है, ना समझ आए तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कितना कुछ बताने के बाद आप ऐसी स्टेट में हो कि आपको सारा समझ आ गया हो। फ्रॉम हेयर नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम फॉर्मूलाज, जस्ट लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजेंटल रेंज, वेलोसिटी एट एनी टाइम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चार बात समझाता हूँ प्यारे बच्चों, पहले कुछ भी ना पढ़े आओ, मैं फिर कह रहा हूँ इसको ध्यान से देख लोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सुनो गौर से, अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब आप बड़े हो गए हो, आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको कुछ भी पूछने का हक भी है, कोई आपसे कुछ पूछ सकता है तो आप भी किसी से कुछ पूछ सकते हो। क्या पूछना चाहिए था यहाँ पे कि श्रीमान जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, पाथ की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, मतलब वो जैसे चल रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट की रिलेशन लिखो, उसको बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो प्यारे बच्चों उसके लिए करना क्या है आपको, ओरिजेंटल में वो टी टाइम में कितनी दूर गया था, एक्स इज इक्वल टू यू टी, यहां से मैं टी निकालता तो कितना आता, एक्स बाई, ये इक्वेशन याद होगी ना, एक्स इक्वल्स टू कितना था यू टी, यहां से टी निकाला तो कितना आया, एक्स बाई यू। वाई वाली इक्वेशन में इस टी की वैल्यू पुट कर दो, वाई क्या होता था 1/2 जी टी स्क्वायर, टी की जगह पे वैल्यू रखोगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, दिस इज वाई। ये है उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दिया जाए तो प्यारे बच्चों वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। तो इसका मतलब जो आपका प्रोजेक्टाइल मूव करेगा उसका पाथ पैराबोलिक होगा, उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा आपके पास। सो दिस इज अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसके बारे में था ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। अगली बात समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उसको हवा में ओरिजेंटल वेलोसिटी रखेगी कि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से वो नीचे आ रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से नीचे आ रहा है तो हम केवल वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करेंगे। बताया था ना ओरिजेंटल मोशन वर्टिकल को कुछ नहीं कहेगा, वर्टिकल ओरिजेंटल को कुछ नहीं कहेगा, तो नीचे लेके आने में कौन हेल्प करेगा, वर्टिकल मोशन। देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल यूज वर्टिकल मोशन यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना नीचे आए हो h, अरे यहां से यहां पहुंच गए तो नीचे कितना आ गए h, u कितने के बराबर है वर्टिकल डायरेक्शन में, जीरो, 1/2, a कितना है g, t आपको चाहिए प्यारे बच्चों, यहां से मैं t निकालता तो अंडर रूट 2h/g आता, t निकालते तो कितना आता अंडर रूट 2h/g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ओरिजेंटल प्रोजेक्शन। ये ना बॉडी के मास पे डिपेंड करता ना बॉडी की इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ
स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखनी है सबको ये बात भी। अगली कैलकुलेशन पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब आगे जाने में ग्रेविटी का कोई रोल है या नहीं है? कोई रोल नहीं है। हॉरिजॉन्टल चलोगे तो ग्रेविटी कुछ नहीं कहेगी। इक्वेशन फिर से हमें यूज करनी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की बात करें तो एस कितना हो गया, आर हॉरिजॉन्टल रेंज, यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कितना था, यू ही था, टी टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी निकाल के आए थे अंडर रूट टू एच बाय जी, ये जीरो होता ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी होती है, जीरो। तो आर इक्वल्स टू यू अंडर रूट टू एच बाय जी। दिस इज रेंज, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीन बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दो मोशन थे, दोनों को अलग अलग टुकड़ों में समझा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को, एक प्यारे बच्चों वर्टिकल मोशन को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए, वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, मैंने यहां डायग्राम में दिखाने की कोशिश भी की थी, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी टाइम पे देखोगे तो आपके प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको नीचे लेके आ रही है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, जब वर्टिकल हो तो अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। जस्ट वी नीड टू कैलकुलेशन, सिर्फ हमें कैलकुलेशन की जरूरत है। उसकी टोटल वेलोसिटी चाहिए तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आएगी। प्यारे बच्चों, वी एक्स स्क्वायर कई बार बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, शुरुआत में यू था तो बाद में भी यू ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपको भी शायद याद हो जाना चाहिए, ना है तो जी इंटू टी होता है, बता देते हैं, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे बेसिक चीज इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के ये कंपोनेंट समझ आने चाहिए थे, यू ए वी एक्स, यू ए वी एस डिस्प्लेसमेंट, चारों यही निकाले पहले, यू ए वी एस, यू ए वी एस, एस मतलब कितना चला, एक बार उसको एक्स कह दिया, एक बार उसको क्या कह दिया, वाई। देन क्या किया हमने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए थी तो ओरिजेंटल से टी निकाल के वर्टिकल में पुट कर दिया, उत्तर आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो क्या किया आपने, वर्टिकल मोशन कंसिडर किया। ओरिजेंटल रेंज चाहिए तो आपने क्या कंसिडर किया, ओरिजेंटल मोशन कंसिडर किया। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी चाहिए तो दो वेलोसिटी थी, उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। दिस इज ऑल अबाउट ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। किसके बारे में सारी बातें हैं, ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जरूरी सी बातें थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन को। किसको समझने की कोशिश करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन को। प्यारे बच्चों, उसको भी बड़े ध्यान से समझना, एक बार डाइजेस्ट हो जाए तो फिर गारंटी उसको कभी भी नहीं भूलते हो, रट्टा भी मारने की कोशिश किया करो। ये एक सच्चाई बता देता हूँ, कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है ना, मैं समझा करो, समझी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, रटा मत करो, रटी हुई चीज़ें कम याद रहती हैं। ऐसा नहीं है, रटी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, बचपन से देख लो, चाहे कभी बचपन में सीखा होगा, क्या सीखी, गणती सीखी, काउंटिंग सीखी, पढ़े सीखे, पढ़े क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उनको, टेबल, टेबल सीखी होंगी, समझना क्या था, गोटा मारना था, शिकली सीखी होगी, टू द प्रिंसिपल दस, सारा रट्टा गोटा था सारा का सारा, आज भी याद होगा कुछ ना कुछ तो, पक्का मानते हो।
एक साल बाद दो साल बाद बात करूँगा, नाइन्थ और टेंथ के जो क्वेश्चन समझ समझ के किए थे ना मैथ के, वो दो साल बाद याद नहीं मिलेंगे, वो समझे थे, शिकली याद की थी वो याद मिलेगी, टेबल याद की थी, कोई थोड़े बहुत से भूल लग जाए तो बात अलग है, बट जितनी टेबल याद की थी जिनका घोटा मारा था वो याद मिलेंगी यूँ की यूँ, लेकिन जो चीज़ समझ के की थी ना साफ मिलेगी। रट्टा मारा करो, समझ के साथ मार लो, समझ के छोड़ दोगे भूल गए, समझ के साथ घोट लो, दिक्कत क्या है, घोटना क्या है इसमें, यही तो घोटना है, ओरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी नहीं भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी थी तो करना क्या था उसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ओरिजेंटल मोशन से टी निकालना था, वर्टिकल में पुट करना था, इसको या तो समझ कह लो या रट्टा कह लो, जो थोड़ा बुद्धिमान हो गया ना रट्टा थोड़े समझाया, मैंने समझा क्या, मैं बताया मैंने भाई ओरिजेंटल से टी निकाल लो उसको वर्टिकल में पुट कर दो, इसमें समझना क्या, याद करनी है ये बात, याद करने को आप रटाई कहोगे उसको, रटाई है तो रटा भी करो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, रट्टा मारना, मजाक लग रहा है, काम आएगी ये बात, क्या मारना है रट्टा, घोटना है, समझ के साथ घोटना है, यूँ नहीं वैसे टू द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल टू डी मोशन, ओरिजेंटल मोशन, वर्टिकल मोशन, टू डी मोशन, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ना, समझ लो फिर याद कर लो उस चीज़ को, रट्टा वही तो है, याद करना क्या है, रट्टा है वो तो जरूरी है, दो ही साल तो मारना है, सिलेक्शन हो गया नौकरी मिल गई बात खत्म, बच्चों के टाइम तक याद रहे तो ठीक है, वहाँ पॉइंट बना सकते हो, आई नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट यू आर दैट आई नो दिस, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है रजत, मैं रट्टा मारे आगे बच्चों को भगाएगा यूँ, कहेगा फिर उनको मैं दो साल बाद नौकरी लग गया, रट्टे बिना नहीं लगनी, सीधी बात बता रहा हूँ, सिलेक्शन भी नहीं होना रट्टे बिना, जो टॉपर हैं और वो यूँ कहे ना मैं रट्टा नहीं मारा ना, वो झूठ बोल रहे, ऐसी घोट रखी होती है उनको किताबें, एक एक लाइन का अक्सर याद, यूँ बता देंगे एनसीईआरटी में हुई है तो उस लाइन से उठा रखा है, वो रट्टा ही है, समझ नहीं है वो, ऐसे मिलेंगे आप लोगों को, कभी समय हो मेरे साथ चल पड़ी हो, ऐसे ऐसे भरे बैठे हैं, यूँ एनसीईआरटी याद है सारी, सारी याद है, अब उसको समझ कह लो उसको रटा, और उनका सिलेक्शन भी दिखाऊंगा मैं, सिलेक्शन भी होगा बाद में, वो तुम्हें ये सलाह देंगे रटो मत, समझो चीज़ों को भाई, तू भी तो रट के पहुँचे वहाँ तक, सागर, सागर ने सारी एनसीईआरटी घोट रखी है, वो ज़्यादा हुशार बच्चे, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो फिर सिलेक्शन हो जाएगा उसका भी होना है सिलेक्शन, वो बाद में भी यही ज्ञान का बांटता फिरेगा, रट्टा मत मारिए भाई, समझा उसने पहले, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा समझा नहीं है, समझ नहीं, पहले समझी चीज़, तेरे से गलती क्या हुई, तूने ले लिया होगा मैथ, मैथ है ना, तो अब वो तेरे को ज्ञान बांटेगा, उस पर बायो है, तेरे भी बायो होती तो फिर तू कहता बता इसमें समझना क्या, याद करनी है चीज़ तो बायो की, तो उसे आधे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको जाके दिखा दिए, देख सर कह रहे थे उन्हें बायो घोट रखी है सारी, इवन उसने तो फिजिक्स भी घोट रखी है, मैं सवाल बोल दूँ ना उत्तर, मैं पूरा स्टेटमेंट पूरी नहीं होती उससे पहले जवाब आ लेता, उसमें समझ क्या करेगी, याद है उसको सारा, हाँ समय पे उसने समझी थी चीज़ें, याद भी की थी। देखो भाई होता क्या है, जब आप पढ़ते हो ना तो तीन स्टेज होती है, मैं कई बार बोलता हूँ इस बात को, कितनी स्टेज होती है, देर आर थ्री स्टेजेस, एक जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ भी आ रहा है, वो आपको याद भी हो रहा है, तीन बातें हैं, और एक ऐसा होता है कि ना समझ आ रहा ना याद हो रहा, क्या क्या होता है, पहली बात समझ आ गया याद हो गया, जी समझ आ गया है अभी याद नहीं हुआ है, समझ लिया है टाइम देके इसको याद कर लेंगे, एक होता है ना समझ आया ना याद हुआ, सिलेक्शन किसका होता है, जी समझ भी आ गया और याद भी हो गया, हम जो मीडियम से बच्चे होते हैं ना हम समझ लेते हैं चीज़ों को, याद नहीं करते, क्यों, हम टॉपर को देखते हैं, टॉपर हमें ज्ञान बांटते हैं, याद मत करो समझो, हम फिर उसी साइड चल पड़ते हैं, वो पहली स्टेज पे होते हैं हमेशा, वो समझे भी गए और वो याद भी करेंगे, हम समझ लेंगे, अपनी बुद्धि ऐसी ही है समझ तो लेंगे, याद नहीं करेंगे, रट्टा ना सौरभ, रट्टा सौरभ रट्टा ना मारा करे, रट्टा ना मारे तो भाई सौरभ फिर पेपर प्लस टू मैंने पूछा सर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है शुरुआत में समझ भी लो याद भी कर लो बात खत्म, उसे ने सचिन के क्या करा, सिलेक्शन हो गया,
आप रट्टा मुड़ जे रहो ना रे रट्टा आयो तो मैं रट्टा ना मारू क्यों जे मैं रट्टा नहीं मारूंगा। अरे भाई समझ लो रट्टा मार लो बात बन गई ठीक है। रजत आज छांत पर चढ़ गए ओ जियो शुरू प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड दिस। कोई भी गली से जा रहा हो पत्थर उठा के फेंक दे दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वो दोबारा भी फेंक सकता है फिर वो दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन नाउ कैलकुलेट द स्पीड ठीक है हो जाएगा शुरू। ए रहने दे फिर यू कहेगा फिजिक्स वाले सर ने कहा था आ जाओ भैया आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्शन। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ मुश्किल कुछ नहीं होता है, होता है तो नियत। पिछला टॉपिक सारा एक मिनट में रिकैप करें तो क्या था ओरिजेंटल मोशन वर्टिकल मोशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज वेलोसिटी। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो ये देखो यही था ओरिजेंटल मोशन वर्टिकल मोशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री टाइम ऑफ फ्लाइट ओरिजेंटल रेंज वेलोसिटी। हमारी दिक्कत क्या हम फार्मूला याद नहीं करेंगे समझ लिया बस अपना इतना ही काम था ना अपना काम इतना भी है उसको याद करना। वाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अंडर रूट टू एच बाय जी। रेंज क्या होगी यू इंटू अंडर रूट टू एच बाय जी। वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। याद होगी ये चीज दिक्कत क्या है समझने के बाद याद कर ले तो क्या जाता है उसमें कुछ नहीं जाता उसी को फिर हम होशियार होशियार कहते यो छोरा बहुत होशियार भाई। आ जाओ अब एंगुलर प्रोजेक्शन पे। अब की बार अच्छा मोदी सरकार तो आपको यहां से उठाना है प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी से फेंकना है किसी ने किसी एंगल पे। इनिशियल वेलोसिटी तो देनी ही देनी है वो तो काम ही डेफिनेशन ही ये थी एंड देन मूव अंडर ए ग्रेविटी। अब की बार मान लो कितने एंगल पे फेंका उसको थीटा एंगल पे। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। पहले वाले केस में और इसमें डिफरेंस क्या है यहां पे मैं इसकी स्पीड को रिजोल्व करता क्या करता है इसको रिजोल्व। रिजोल्व का तरीका होता है जहां एंगल है ना उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है कोस थीटा वाला और दूसरी साइड क्या आता है साइन थीटा वाला। अब की बार शुरू से ही बिल्कुल शुरुआत से ही ओरिजेंटल वेलोसिटी की भी इनिशियल वैल्यू है और वर्टिकल वेलोसिटी की भी इनिशियल वैल्यू है। पिछले में ओरिजेंटल तो थी वर्टिकल नहीं थी अब की बार यहां ओरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। अब ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा फिर नीचे भी आएगा आगे भी जाएगा मतलब 2D है। क्या है 2D मोशन है। 2D का मतलब ये है कि दो प्रकार से चल रहा हो ऊपर नीचे आगे ये जा रहा हो ऊपर गया आगे जा रहा था नीचे आ रहा है साथ के साथ आगे भी जा रहा है। तो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। सारे स्टेप रिपीट होंगे यूं के यूं। क्या रिपीट होना है जरा सुन लो ध्यान से। मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 मोशन के दौरान 2D है तो कुछ ओरिजेंटल और कुछ है वर्टिकल सबको लिखते हैं। यहां पे पहले बात करते हैं ओरिजेंटल मोशन की। ओरिजेंटल मोशन क्या ओरिजेंटल मोशन के इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा। अब हम ऐसे मंदबुद्धि रह जाते हैं जी मैंने रिजोल्व करना नहीं सीखा था और मैं इसको याद नहीं करूंगा इसका लिए मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं मानना होता ना इसी को तो रट्टा कह देंगे। अब इसमें मत उलझे रह जाइए जी मुझे नहीं पता ये u cos थीटा कैसे आया। आता है भाई पीछे सिखाया था वैक्टर में जिसने नहीं किया वो याद कर लो इस बात को कि जिस साइड एंगल है उस साइड उस वेलोसिटी के साथ क्या लगा देना है कोस और उसके जो परपेंडिकुलर है उसके साथ क्या लगा देना है साइन। वेरी इजी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी वैसे याद हो गया बात खत्म। क्या ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी नहीं होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी है ग्रेविटी अप डाउन को तो सपोर्ट या अपोज करेगी आगे जाने में कोई काम नहीं है उसका। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंसी यही तो कहता है। क्या कहता है वो आपको कि ओरिजेंटल वाले वर्टिकल को कुछ नहीं कहेंगे वर्टिकल वाले ओरिजेंटल को कुछ नहीं कहेंगे। तो ए एक्स कितने के बराबर है जीरो। मैंने क्या बताया था चार बातें करनी है यू ए वी एस। यू आ गया ए आ गया अब वी की बात कर लेते हैं। वी निकालने के लिए क्या करना होता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी एक्स किसके बराबर होगा
यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, ए की जगह क्या आएगा ए एक्स, वो जीरो है, तो बात खत्म हुई। समझे कि ना समझे? और मैंने ये बात कही तो थी, रट्टा मारना, ध्यान रखना, याद करना है क्या ओरिजिनल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। शुरुआत में यू कोस थीटा थी तो किसी भी टाइम पे देख लियो कितनी मिलेगी, यू कोस थीटा ही मिलेगी। अगली बात सुनो भाई, अब हम निकालने जा रहे हैं एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब कितना आगे गया, तो एक्स, यू कितना है, यू कोस थीटा इंटू में क्या आएगा टी। एस भी आ गया, वी भी आ गया, ए भी आ गया, यू भी आ गया, ओरिजेंटल मोशन के सारे पैरामीटर क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द वर्टिकल मोशन। आई थिंक यू आर नाउ इन ए सिचुएशन टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज टू मोशंस। देर आर फोर पॉइंट्स इन टोटल एंड दीज आर यू ए वी एस, यू ए वी एस, यू ए वी एस, वर्टिकल मोशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्टिकल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वाई, देन ए वाई, देन वी वाई, देन वाई, देन ए वाई। आई थिंक आपको भी अब कोशिश करनी चाहिए और आप करोगे। यू वाई कितने के बराबर है, यू साइन थीटा, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ए वाई, व्हाट इज ए वाई, एक्सेलरेशन माइनस जी, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो ए थिंग टू रिमेंबर, ये बात भी याद रखनी है कि जी कभी तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले देते हो, कभी पॉजिटिव ले देते हो, रट्टा भी तो एक लिमिट तक ही लगता है। तो मैंने ये नहीं कहा था रट्टा ही मारना, समझना भी होता है साथ के साथ, क्या जरूरी होती है समझ। समझ क्या है भाई, हमें ये देखना है कि शुरुआत की वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, तो शुरुआत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके मोशन को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, अपोज कर रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो अपोज कर रही है, अपोज कर रही है, तो इसलिए हमने कैसा साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, रिटार्डेशन होगी। एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन मतलब वहां पे स्पीड घटती जा रही है। वी वाई निकालते हैं, वी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में जो पैरामीटर हम पुट करेंगे वो वर्टिकल वाले पुट करेंगे, तो वी की जगह वी वाई, यू की जगह यू वाई, कितना है यू वाई, यू साइन थीटा प्लस ए टी, ए कितना है माइनस जी, इंटू में क्या है टी। आई थिंक समझ गए होगे, दिस इज ए वी वाई, तो यू आ गया, ए आ गया, वी आ गया। अब एस और रह गया, एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब वाई। अब एक बात और सुन लो भाई, प्रोजेक्टाइल जितना ऊपर जा रहा है स्पीड भी ऊपर की साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी शुरुआत में ऊपर की ही साइड है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं उसको, पॉजिटिव। यू कितने के बराबर था, यू साइन थीटा, अरे हाँ या ना, इंटू में टी, माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। समझ गए होगे माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर और साथ में टी स्क्वायर। क्लियर हुई बात, यू ए वी एस। लेट्स नाउ कैलकुलेट अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या निकालते हैं अबे, इक्वेशन ऑफ, सारे वही स्टेप चलने। क्या था पहले, ओरिजेंटल मोशन, फिर वर्टिकल मोशन, फिर क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालेंगे रेंज, फिर निकालेंगे वेलोसिटी। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा करेंगे, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक गया है। क्या निकालेंगे, एक मैक्सिमम हाइट की, वो कितना ऊपर तक गया है। तो प्यारे बच्चों कितना ऊपर तक जाएगा उसको भी निकालते हैं, उससे पहले आ जाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप भी किसी से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। और प्रश्न यह है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अगर मैं मतलब पे चलूं, तो मतलब उसके पाथ की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, इक्वेशन मतलब इक्वेशन, एक्स और वाई की रिलेशन। फिर बता रहा हूं एक्स और वाई की रिलेशन के लिए क्या करना था, ओरिजेंटल से टी निकाल लो, वर्टिकल वाले में पुट कर दो। ओरिजेंटल से टी निकाल लो, ये है ओरिजेंटल, यहां से मैं टी निकालूं तो टी आएगा एक्स बाय यू कोस थीटा। क्या आएगा, एक्स बाय यू कोस थीटा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द वाई, व्हाट वी हैव, वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की जगह पे क्या है x बाय यू कोस थीटा, x बाय यू
cos theta, u से u cancel, plus, sorry, minus half g t square, t square मतलब इसका स्क्वेयर कर दो, x स्क्वेयर बाय u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा आ गया उत्तर। y इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos थीटा को tan थीटा बोलते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वेयर बाय टू यू स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री थी हमारे पास। अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर हवा में रहा। आसान सी अच्छा, इसमें भी वाई एक्स स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है तो पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा ये भी? पैराबोलिक, जहां पे वाई की पावर ज्यादा से ज्यादा वन हो, एक्स की पावर ज्यादा से ज्यादा टू हो, तो पैराबोलिक पाथ होता है। वो कैसा पाथ होता है? हमेशा पैराबोलिक। नाउ लेट्स कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर हवा में रहा, तो हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, आप भी शायद उस बात को समझेंगे, हमें यूज वहां पे भी यही किया था यहां पे भी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब उसका मोशन पूरा हो गया, वो यहां से चला था, ये गया ये गया ये गया और ये आ गया, तो ओवरऑल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, धरती पे था, धरती पे ही है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे? धरती से आए थे, धरती पे ही आगे हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही है, कितनी देर हवा में रहे। जैसे 11वीं 12वीं में तुम हवा में रहोगे, दो साल टाइम ऑफ फ्लाइट है, फिर देखना रेंज कितनी आई, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए। कुछ IIT की सोचते ITI में चले जाते हैं, कुछ MBBS की सोच के नर्सिंग में चले जाते हैं। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पे डिपेंड करता है कि कितनी देर हवा में रहे हो, कितनी ओरिजेंटल डिस्टेंस से कवर की है, कितनी ओरिजेंटल डिस्टेंस से कवर की है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझ आ गया क्या है? कितनी देर हवा में रहा। ओवरऑल वर्टिकल, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या यूज करना है? वर्टिकल मोशन, बताया ना, ओरिजेंटल वर्टिकल को कुछ नहीं कहता, वर्टिकल ओरिजेंटल को कुछ नहीं कहता। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल मोशन। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ लाइट हम कौन से पैरामीटर यूज करेंगे? वर्टिकल मोशन के पैरामीटर यूज करेंगे। इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, s u a, s कितना, जीरो, u कितना, u साइन थीटा, अरे हाँ या ना, t हमें निकालना है तो उसको एज इट इज रखिए, a कितना, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर निकालोगे यहाँ से, t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर को इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्वेयर उधर आया, u साइन थीटा इन टू टी, टी से एक t गया तो t कितना आया, 2u साइन थीटा बाय जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ ए फ्लाइट, 2u sin theta by g. This is equation of trajectory. These are the parameters of vertical motion. These are the parameters of horizontal motion. Now let's discuss about the horizontal range. कितना आगे गया है? Horizontal range calculate करने की हमें कोशिश करते हैं छोटी सी। तो प्यारे बच्चों, अगर horizontal range हमें चाहिए तो horizontal range के लिए horizontal components ही use होंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आगे गया, डिस्टेंस निकालनी है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस मतलब r, कितना आगे गया उसको रेंज, रेंज को r से दर्शा दिया। u कितने के बराबर है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, u cos थीटा। टोटल टाइम कितना लगया था, अभी अभी निकाला था, 2u sin थीटा बाय g। ओरिजेंटल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितनी होती है, जेड आर ओ, अरे जीरो, ओरिजेंटल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो। तो ये उत्तर आ गया आपका। इसको थोड़ा सुधार के साथ लिख लो, सुधार क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, टू साइन थीटा इन टू कोस थीटा, साइन टू थीटा होता है, यू इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वेयर,
डिवाइड में क्या है जी, दिस इज ओरिजेंटल रेंज। ये क्या है हमारे पास, ओरिजेंटल रेंज है। समझ गए या ना समझे बात को, अगली बात सुन लो। फिर निकालना हमें मैक्सिमम हाइट कि कितना ऊपर गया था, कितना ऊपर गया था। तो लेट्स कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। देखो बच्चों, एक सीधी सी बात बता देता हूं, क्या हमारे मन में भी यही बात आती है, अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूं मैक्सिमम हाइट का मतलब जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए उसे ऊपर ना जाए। बट इस केस में आप मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी को जीरो नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं कई देर से एक बात समझा रहा हूं कि ओरिजेंटल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। आप लोएस्ट पे देख लो, हाईएस्ट पे देख लो, नीचे आते समय देख लो, ऊपर आते समय देख लो, नीचे टकराया तब देख लो, वो तो यू कोस थीटा रहनी रहनी है। तो फिर मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जीरो होगा जो उसको ऊपर लेके जा रहा था। जो उसको कहां लेके जा रहा था, ऊपर। ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट लेके जाएगा कि ओरिजेंटल, वर्टिकल लेके जाएगा। सीधा सा जवाब आपके मन में यही आया है। तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस यूज कर लेंगे। वी कितना, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी, जीरो। माइनस यू स्क्वायर, वर्टिकल की इनिशियल वैल्यू क्या थी, यू साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टू एक ही जगह क्या आएगा, माइनस जी, तो माइनस ये साइन लग गया और जी ये कितना ऊपर गया, मान लो वो एच ऊपर गया, यहां से माइनस कैंसल हो गया, एच आया अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये क्या आई हमारे पास, मैक्सिमम हाइट। एक कैलकुलेशन और होती है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी। तो दो कंपोनेंट हैं, वी वाई का स्क्वायर और वी एक्स का स्क्वायर, उसको सोल्व कर लियो वो वेलोसिटी आ जाएगी। आपको वी एक्स का भी पता है और आपको वी वाई का भी पता है, दोनों पुट कर लियो। ये पूरा एंगुलर प्रोजेक्शन था, क्या था आपके पास, एंगुलर प्रोजेक्शन। ये सारा समझ आ गया तो इस चैप्टर की बेसिक समझ आप में डेवलप होगी है, बेसिक क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चार क्वेश्चन कल डाल दिए थे, 10 डाउट आज आए हुए, 10 आज डाल दूंगा, टोटल 14 क्वेश्चन हो जाएंगे एक एक करके। 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये टॉपिक आते हो, एक दो टॉपिक और करवाया था उस दौरान, अगर वो ध्यान है तो ठीक है ना, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा। बट ये दो केस स्कूल लेवल के लिए दीज टू आर अनफ, एनडीए के लिए दीज टू आर अनफ, एयरफोर्स के लिए दीज टू आर अनफ। बट फॉर सम मोर एग्जाम्स, नीट देना है, जेई देना है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है। उसमें हमें एक तो वर्टिकल प्लेन पे, इनक्लाइंड प्लेन पे, और एक हाइट पे किसी एंगल थीटा पे ऊपर फेंक दिया, किसी एंगल थीटा से नीचे फेंक दिया, ये दो केस और करने होते हैं। रिवीजन के दौरान मैंने ये दो बातें आपको बता दी हैं। 14 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐप पे टेस्ट डाल चुका हूँ, 45 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल के ही हैं। नेक्स्ट वीक में जो टेस्ट होगा वो प्रोजेक्टाइल और वैक्टर दोनों का कंबाइंड होगा। इससे पहले जो हुआ था वो केवल वैक्टर था, अब जो आज या कल में आप दोगे वो प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद जो आपका होगा वो प्रोजेक्टाइल और वेक्टर का कंबाइंड होगा। जिनका वेक्टर रहता है वो करवा दिया जाएगा उससे पहले तक, तो वो टेस्ट सबको देना होगा, ठीक है। टेस्ट 24 घंटे के लिए अवेलेबल है।